वेलकम टू रेट्रो स्टडीज। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इंडियन हिस्ट्री के कितने पार्ट्स हैं, तो इंडियन हिस्ट्री के मेनली थ्री पार्ट्स हैं, एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के पहले पार्ट एंशियंट इंडिया को देखेंगे। तो एंशियंट इंडिया 10,000 BC से लेकर 600 AD तक एक्सटेंडेड है। अब आइए देखते हैं एंशियंट इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। एंशियंट इंडिया मेनली फोर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज और क्लासिकल एज। स्टोन एज 10,000 BC से लेकर 3300 BC तक एक्सटेंडेड है। ब्रॉन्ज एज 3300 BC से लेकर 1500 BC तक एक्सटेंडेड है और आयरन एज 1500 BC से लेकर 200 BC तक एक्सटेंडेड है और क्लासिकल एज 200 BC से लेकर 600 AD तक एक्सटेंडेड है। और अब हम मेनली फोकस करेंगे स्टोन एज पर। स्टोन एज को मेनली प्री हिस्टोरिक इंडिया भी कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टोन एज मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है और मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। पैलियोलिथिक स्टोन एज मतलब ओल्ड स्टोन एज थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक। अब आइए पैलियोलिथिक स्टोन एज को अलग से एक नए स्लाइड पे देखते हैं। पैलियोलिथिक स्टोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, इट इज रफली एक्सटेंडेड फ्रॉम 2.5 मिलियन ईयर्स अगो टू 10,000 BC। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये स्टोन एज में आता है। इट इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, अपर, मिडिल एंड लोअर। ये भी मैंने पिछले स्लाइड में बताया। अब देखिए कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज था इसमें क्या हुआ। फर्स्टली स्टोन एंड बोन टूल्स वर मेड बाई होमोजीनस, मतलब नॉन प्रॉपर ह्यूमन्स, जो प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, अभी ह्यूमन बनने वाले थे, उनके द्वारा स्टोन और बोन के टूल्स बनाए जाने लगे थे। अगले पॉइंट में देखते हैं मिडिल पैलियोलिथिक में क्या हुआ। अराइवल ऑफ अर्ली ह्यूमन्स, मतलब जो प्रॉपर ह्यूमन नहीं है, अभी ह्यूमन बनने वाले थे, डेवलप होके मानव बन चुके थे, ये ह्यूमन्स का साइंटिफिक नाम है होमो सेपियंस। जो टूल्स बनाए जाने लगे वो काफी हद तक अच्छे बनाए जाने लगे और आग का आविष्कार यहीं पे हुआ मिडिल पैलियोलिथिक स्टोन एज में। इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू केव आर्ट्स एंड फाइनर बोन टूल्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन अपर पैलियोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक के लास्ट स्टेज अपर पैलियोलिथिक में केव आर्ट्स के द्वारा कम्युनिकेशन होने लगा था और बोन टूल और फाइन होने लगे थे। स्टोन एज का अगला पार्ट है मेसोलिथिक। इट इज ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज कहा गया, मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया है। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 10,000 BC टू 6,000 BC, मतलब 10,000 BC से 6,000 BC तक ये फैला हुआ है। मेसोलिथिक टर्म इज एडेड बाय हॉर्डर वेस्ट्रॉप, ये एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनके द्वारा ये टर्म ऐड किया गया मेसोलिथिक। कौन है वो? हॉर्डर वेस्ट्रॉप। अगले पॉइंट पे आते हैं। द पीपल ऑफ दिस एज वर लिव्ड ऑन हंटिंग, उस समय के जो लोग थे वो हंटिंग पे डिपेंडेंट थे अपने फूड के लिए और दे ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। जो मिडिल स्टोन एज के लोग थे वो अब जानवर पालना शुरू कर दिए थे। स्टोन एंड बोन्स वर यूज्ड एज टूल्स, मतलब टूल्स के नाम पर स्टोन और बोन्स के फाइन टूल यूज किए जाते थे इस मिडिल स्टोन एज में। अब आता है स्टोन एज का लास्ट पार्ट नियोलिथिक स्टोन एज। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। नियोलिथिक स्टोन एज को न्यू स्टोन एज भी कहा जाता है। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 6000 BC टू 3300 BC। ये 6000 BC से लेकर 3300 BC तक एक्सटेंडेड है।
इट इज द फाइनल डिवीजन ऑफ स्टोन एज, जैसा कि मैंने आपसे बताया, दिस एज इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। अब इस एज में एग्रीकल्चर भी होने लगा था अर्ली मैन द्वारा। पॉलिश्ड स्टोन्स वर यूज टू मेक टूल्स एंड वेपन्स, मतलब कि अब टूल्स बनाने की जो प्रक्रिया थी वो और भी अपग्रेड हो गई थी, पॉलिश्ड स्टोन्स यूज किए जाने लगे थे। अगर आपको BC और AD समझने में दिक्कत आ रही है तो हमने ये स्लाइड आपके लिए लगाया है। ये जो देख रहे हैं आप, ये जीरो लाइन है, मतलब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले ये BC है, जिसे बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और अब इसे बिफोर कॉमन एरा कहा जाने लगा है। और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद इधर एनो डोमिनी कहा जाता है, जिसे अब कॉमन एरा भी कहा जाने लगा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अपना पूरा एंशिएंट इंडिया का पार्ट।